आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये मेरा रोज़ प्लांट है और ये कोलकाता गुलाब कहते हैं इसे, कोलकाता की गुलाब इस तरह का नाम बताया गया था मुझे। इसको मैं भी कटिंग से ही लगाई थी, इस प्लांट को किसी ने मुझे कटिंग दिया था और काफ़ी अच्छा ये प्लांट्स में फ्लावरिंग्स आते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो। तो इसी की मैं दो चार और प्लांट्स तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने तीन कटिंग्स लिए हैं। अगर कटिंग्स आप जब ले रहे हैं, अगर उसे लेट हो लगाने में, तो आप पानी में रख सकते हैं, अगर 4-5 घंटे के बाद अगर प्लांट्स कटिंग्स लगानी हो आपको तो। और इसकी मैं सारी पत्तियाँ वगैरह जो है वो मैं रिमूव कर दे रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है, जो कटिंग ले रहे हैं उसकी जो आइस होती है, गांठे जहाँ पर होती है उसको आइस भी कहते हैं, तो वहाँ से देखिएगा हल्की सी जो पत्तियाँ निकलती है उस टाइप की ग्रोथ होनी चाहिए। तो उस तरह की जो अगर कटिंग लेंगे ना, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब सक्सेस हो जाती है। और कटिंग की साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 से 7 इंच की तक की लें। और जो मैं सॉइल में लगा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल है, मैंने कोई भी कंपोस्ट इसमें मिक्स नहीं की हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट अगर मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैं बस नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा रही हूँ। बस कटिंग अच्छा लेंगे तो निश्चित है कि ये बहुत ही जल्दी सक्सेस भी हो जाएगा। और कटिंग भी लेते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि कटिंग्स जो है हल्की मतलब सेमी वुड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें मोटा भी थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही नया जो कटिंग हो वो भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसकी जो थिकनेस हो एक पेंसिल के बराबर की हो, उतनी थिकनेस होनी चाहिए। और लगाते समय इसको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखना है, हल्का सा मिट्टी में जब लगाएं तो हल्का सा इसको तिरछा करके, मतलब एक और हल्का तिरछा करके लगाएं और बस नॉर्मली इसमें पानी देते रहें और इसी सैडी एरिया में रख दें। और 3-4 पत्तियां भी निकल जाएगी तब भी इसे धूप में उस समय नहीं करना है, बस ब्राइट लोकेशन में आप रखें और नॉर्मली पानी देते रहें, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम मुश्किल से मेरे जो कटिंग्स हैं इस कटिंग्स में, और एक बात का ध्यान रखना है, एक बार जहाँ इस कटिंग्स को आप रख दें वहाँ से फिर इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि हिलने के बाद ये कटिंग्स फिर सक्सेस नहीं होती है। जैसे कि मैंने 3 कटिंग ली थी लेकिन मेरा एक कटिंग सक्सेस नहीं हुआ, और देखिए लगभग 8 दिनों में ही इसमें अच्छी खासी पत्तियाँ निकल आई हैं, जो थोड़ी सी कली थी वो भी आई हैं, बट ये दूसरी कटिंग जो है इसमें अभी हल्की हल्की सी आई है। और इसमें देख रहे हैं कली भी जो है जो हल्की सी थी उसमें, और वो भी मतलब खिलने पर आ गई है। तो ये मेरा ये कटिंग जो है सक्सेस हो गया है, बस तीसरा जो कटिंग है वो सक्सेस नहीं हुआ है। ये दूसरे में देखिए, फिर मैंने ये वीडियो जो शूट की है ये 12 दिनों के बाद की है, इसमें भी पत्तियाँ अच्छे से निकल आई हैं, तो ये भी मेरा कटिंग जो है सक्सेस हो चुका है। लेकिन इसे मैं ट्रांसप्लांट अभी नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें जो रूट्स से पहले ये पत्तियां वगैरह आ जाती है, तो इसे ट्रांसप्लांट मैं 45-50 दिनों के बाद करूंगी, जिससे कि अच्छे से थोड़ी सी रूट्स डेवलप हो जाए फ्रेंड्स। तो इसी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल्स पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग।